big news is coming in from Maharashtra, where across 12 cities, the price of petrol has crossed 90 rupees. That's right. It's above 90 rupees per litre in the cities that we are mentioning you on the screen right now. This is in Maharashtra, cities across Maharashtra. In fact, a reporter is telling us that it's not just these cities. There are several cities at this point where the price is across is around 89 or so. That's nearing the 90 mark again. And it's not just Maharashtra, prices are rising across the country. In Delhi, it's up by 15 paise for petrol and diesel, up by 9, by around 7 paise as well. That's the figure of the top metros across the country. In Mumbai, it's 89 petrol, diesel at 78, Chennai 85, Kolkata 83 for petrol, diesel 82. All right, my colleague Sohit from Mumbai earlier spoke with people. This is what he gathered. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से फिलहाल देश भर के लोगों को और खास तौर पर महाराष्ट्र के लोगों को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र की जिक्र इसलिए क्योंकि अगर देश भर की तुलना करें तो महाराष्ट्र में पेट्रोल सबसे महंगे बिक रही है और महाराष्ट्र के ऐसे 12 गांव या 12 ऐसे शहर हैं जहां पर 90 पार पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है। मुंबई की भी अगर बात करें तो सोमवार के दिन भी मुंबई में पेट्रोल की कीमतों में 15 पैसों का की बढ़ोतरी हुई है तो वहीं डीजल की कीमतों में 7 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल मुंबई में अगर पेट्रोल की बात करें तो जो नॉर्मल पेट्रोल है वो 89 रुपये 53 पैसे की बिक रही है जबकि ब्रांडेड पेट्रोल जो है वो 92 रुपये 35 पैसे की बिक रही है तो वहीं डीजल भी जो है करीबन 78 रुपये पर बिक रही है और इसका असर जो है लोगों पर पड़ रहा है, लोगों की जेब पर जरूर इसका असर पड़ रहा है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो कैब चलाते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है उसका आपके बजट पर कितना असर पड़ रहा है वो बताइए। कम से कम 400 अभी फुल, जब मैं टैंक फुल कर रहा था 2500 में टैंक, अब 2800-2900 रुपये लग रहा है। यानी पहले 2500 रुपये आप खर्च करते थे टैंक फुल करने, अब 2800-2900 रुपये जाता है। हाँ, तो लेकिन ये आपका नुकसान है, आप उसका कुछ रिकवरी भी मिल रही है क्या, रेट्स में कुछ बढ़ रही है? रिकवरी क्या मिले, कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान जी। तो इस तरीके से जो तकरीबन 300-400 रुपये जो है आपके बढ़ जाते हैं पेट्रोल या डीजल आप जब टैंक फुल कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने बताया, और उसका कोई रिकवरी नहीं होता है जब आप ऐप जो ऐप बेस्ड कैब्स होते हैं या आप पर्सनल यूज़ के लिए भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बजट पर इसका ज़रूर असर पड़ रहा है। और जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, एक सवाल सरकार पर भी उठ रहा है कि क्या सरकार कोई कदम उठा रही है ताकि लोगों को इससे राहत मिले, क्योंकि फिलहाल लोगों को कोई भी राहत मिलता नज़र नहीं आ रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सुहित मिश्रा। इन 4 साल में अभी तक जो है पेट्रोल का दाम हम बढ़ते हुए ही देखे, कभी घटते हुए नहीं देखे। बीच में कच्चा तेल इतना सस्ता हो गया था, अगर देना चाहते अगर प्रॉपर्टी के हिसाब से तो 23-24 रुपये पर लीटर के हिसाब से आना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे भी 70-74 रुपये का रेट था, आज 90 रुपये हो गया और एक साल बचा है, एक साल में 100 रुपये भी हो जाएगा कोई वो नहीं है। क्या करना चाहिएगा, सरकार बढ़ते ही जा रहा है तो क्या करेगा उसके बारे में, कुछ तो कम होना मांगता है लेकिन नहीं कर रहा, हमेशा पैसा बढ़ते ही जा रहा है। जो तो रेगुलर पार्टी है उसे भाड़ा तो बढ़ा के नहीं मिल रहा है, डीजल बढ़ते जा रहा है, इस बारे में हमको भी तकलीफ है। क्या कहना चाहते हैं सरकार? सरकार अभी क्या कर रहे थे, क्या मानो आगे क्या कर रहे हैं, लेकिन भाव तो बढ़ते ही जा रहा है, कम होना मांगता था।